हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग के साथ अंडा पराठा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अंडा ले लिया है, दो अंडे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इस सबको मिला लूँगी। अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी बारीक काट के। इसमें मैं थोड़ा सा मिर्ची डाल दूंगी। मैंने तवा अपना चढ़ा लिया है और गैस को ऑन कर देती हूँ। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ। हमारा जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। अगर आप इसमें प्याज डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, टमाटर, मिर्चा, जो भी आप खाते हों इसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं गर्म हो गया है, मैं इसको इसको डाल दूंगी। और अंडा पराठा बनाने के लिए आप लोग या पराठा पहले बना लीजिए या रोटी बना लीजिए, आपकी जो पसंद हो। मैंने तो रोटी बना ली है क्योंकि अंडा पराठा बनाते टाइम ये रोटी मैं इसमें लगाऊंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। ये खुद पराठा बन गया जाएगा इसमें, इसीलिए मैंने रोटी बनाया है। आप लोग की जो इच्छा हो आप लोग वो बना सकते हैं। इसको मैं धीमी आंच पर पका रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, आप देख सकते हैं ये मैं अभी इसको पलट सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा ऑयल ऐसे डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी अच्छी लग रही है। मेरा अंडा पराठा तैयार है। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।